अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हजीम हाजिर फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं हम लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार, इनफैक्ट स्पेशली जो बच्चों का फेवरेट होता है, ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ही एक एग मैगी की रेसिपी लेकर आया हूँ। बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस है और हेल्दी बेसिक के साथ हम इसे बनाएंगे। तो इसके मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ। दोस्तों मैंने एक गाजर ले ली थी, मैंने बारीक काट ली है, इस तरह छील के धो के इस तरह मैंने बारीक लंबाई में काट लिया छोटा छोटा। एक अगर मैंने शिमला मिर्च ली है, इसे भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। और ये पैकेट के अंदर से जो निकलता है कनोर का, आप यूज़ कर लें या मैगी का यूज़ कर लें, नेस्ले मैगी, तो उसमें से एक टेस्ट मेकर निकलता है, तो वो मैंने एक सैशे खोल के यहाँ पे रख दी है। 1/4 हमें चाहिए काली मिर्च, 1/4 हमें चाहिए रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून हमें चाहिए केचप, और एक मैंने अंडा बॉईल करके उसे छोटे छोटे पीस में मैंने काट लिया है। 1 टीस्पून के करीब हम वेजिटेबल ऑयल यूज़ करेंगे, 1/2 टीस्पून हम सोया सॉस इस्तेमाल करेंगे, 1/2 टीस्पून ही हम ये है लेमन का विनेगर है, ये इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो उसकी जगह पे आप लेमन जूस, एक लेमन जूस शामिल कर लें, या उसकी जगह पे आप 1/2 टीस्पून के करीब वाइट विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। जो इसका मेन इन्ग्रीडियंट है दोस्तों, मैंने एक पैकेट लिया है, ये मैं कनोर वालों का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक ग्लास पानी में 1 मिनट के लिए ये नूडल्स बॉईल करके यहाँ पर रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह जस्ट मैंने इसे 1 मिनट के लिए बॉईल किया। चलिए दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन रख लें, फ्राई पैन, इसमें वेजिटेबल ऑयल डाल दें, और उसके बाद इसमें शिमला मिर्च शामिल कर दें। दोस्तों इसे बनाना बहुत ही इजी है। इसके बाद इसमें गाजर शामिल कर दें, हाफ टीस्पून के करीब इसमें विनेगर शामिल करते हैं, हाफ टीस्पून सोया सॉस, तो ये सारे स्पाइसेस, और ये केचप शामिल कर दें इसमें। और इसे 1 मिनट के लिए आप सौते कर लें। दोस्तों हमने इसे ओवर कुक नहीं करना, जस्ट हमने इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करना है, भूनना है इसके अंदर। चलिए दोस्तों ये 1 मिनट हो चुका है तकरीबन इसे, तो अब हम इसके अंदर अपने एग शामिल कर देंगे, बॉयल एग जो मैंने छोटे छोटे पीस करके रखे हुए हैं, मिक्स कर लें। और जो हमने यहाँ पर एक मिनट के लिए बॉयल करके रखे हुए नूडल्स, ये शामिल कर दें। जस्ट दोस्तों आप ना फोर्क ले लें, वो ज़्यादा बेटर है, और हल्के हाथ के साथ से मिक्स कर लें। लेंगे दोस्तों मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, अब हम इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। दोस्तों इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। चलिए दोस्तों मैं इसमें शिफ्ट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लें जी दोस्तों हमारी मज़ेदार मैगी तैयार है। आप कनोर के नूडल्स भी यूज़ कर सकते हैं, और मैगी के भी, नेस्ले के भी, तो मैंने कनोर के यूज़ किए हैं। तो दोस्तों से ज़रूर बनाइएगा, ये एग जो है एग मैगी बहुत ही मज़ेदार बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है, हेल्दी है, इसमें गाजर भी शामिल है, बॉयल एग्स भी शामिल है, और हमारी जो है शिमला मिर्च भी शामिल है,
और मुख्तलिफ स्पाइसेस भी मैंने शामिल किए हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनने वाली रेसिपी है, तो इसे ज़रूर बनाइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर कीजिएगा, मेरे इस चैनल के बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और दूसरा, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, नोटिफिकेशन के लिए तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्राउड के नाम से भी सब्सक्राइब करें। ओके, जो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।